जो आप सब अब तक तकरीबन 6 बरस से यह हमारे जो ज़ारा टेलर फयाज साहब द कोलार हीरो के नाम से मशहूर हैं वो अब तक हम सबका दिल बहलाते आ रहे थे, मगर अफसोस के जब वजूहात की बिना पर वो शहर कोलार से बेंगलुरु तशरीफ ले जा रहे हैं। अब इनके प्रोग्राम हमें देखने के लिए मिले या ना मिले वो खुदा ये जाने, बल्कि अब तक हमारा ज़ारा टेलर कोलार के हीरो अब तक हमारा दिल बहला चुके हैं। तकरीबन वो 63 साल के हैं, लेकिन दिल बचपन का आप सब 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 यूट्यूब के अंदर देख चुके हैं। गब्बर सिंह का रोल और भी बहुत सारा सारा रोल अब तक 400 से ज्यादा वो यहाँ पर यूट्यूब अंसर के पास वो भी अभी हम पहुंचा भी बहुत सारा प्रोग्राम यूट्यूब पर दे चुके हैं। हम सब मिलकर अंसर पाशा यूट्यूब वाले उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और डायरेक्टर वाजिद कैमरामैन ताज खान साहब और हमारे बुजुर्ग अली जनाब सुफेदार साहब हमारे नेक्स्ट हीरो मामू उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और कैमरा वर्कर नूर साहब और हमारे लोकेशन कलेक्टर रफीक साहब सबका भी शुक्रिया अदा करते हुए और झुकसा दिल लेते हैं। अगर आप सबको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे हो तो अंसर पाशा यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हम आपके सामने ज़ारा टेलर फयाज जो कोलार हीरो के नाम से मशहूर है वो अब चंद चंद अंसर सब करेंगे। अभी अभी जो मेरा तारुफ कराए जो महमूद साहब थे, इन्होंने मेरी जो तारीफ की मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और सारे कोलार कैडेंस का मैं शुक्रगुजार हूँ। ज़िंदगी मेरी अजीब है, पैदा हुए यहाँ 16 साल तक मोहल्ले में रहे कोलार की, उसके बाद 40 साल बेंगलोर में रहा, फिर वहाँ से कोलार आया, फिर 6 साल यहाँ गुजरे। जो 40 साल में मुझे मोहब्बत नहीं मिली वो मोहब्बत 6 साल के अंदर मुझे कोलार के लोगों ने बहुत 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 दिल से मुबारकबाद दी है, और मैं ये मरते दम तक नहीं भूल सकता। और मैं जाने से पहले कोलार के सारे लोगों से और ख़ासकर मेरे दोस्तों से, मेरे बुज़ुर्गों से जो मेरा इतनी दूर तक मेरा मकाम लेके गए, और ख़ासकर मेरे दोस्त साहबाब से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अंसर यूट्यूब चैनल जो अंसर यूट्यूब चैनल है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आप कभी भी जो है मुझे याद करना है तो अंसर यूट्यूब चैनल डालें और सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। बस दुआ करें कि मैं बेंगलुरु जाने के बाद फिर कभी आऊँ तो मैं आपको दिल बहला सकूँ।